अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक खातून ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, एक आदमी है, उसने अपनी बीवी को 9 मरतबा तलाक दे दिए। अब वो औरत इद्दत में बैठी है और इद्दत के दौरान उस आदमी ने बीवी से रुजू कर लिया, तो अब क्या हुक्म है? भाई, इसमें हुक्म यह है कि 9 मरतबा शौहर ने बीवी को तलाक दे दी तो तलाक हो गई, अब वो इद्दत करेगी और इद्दत के ज़माने में इसमें रुजू नहीं है। अगर शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे दी है, वो 3 तलाक के बाद में मुगल्लजा हो गई, मुतल्लका हो गई, और वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई जब तक कि हलाला ना किया जाए। हलाला ऐसे है, हलाला ऐसे कहते हैं कि उस औरत इद्दत गुजारेगी, फिर उसका निकाह होगा, निकाह के बाद में वो शौहर उसको तलाक देगा और निकाह बगैर किसी शर्त के होगा, और निकाह के बाद फिर वो तलाक देगा, तलाक के बाद वो इद्दत गुजारेगी, अब वो उसके लिए हलाल होगी। तो अब 9 मरतबा तलाक दी है तो तलाक तो 3 मरतबा हो, 3 मरतबा कहने से मुस्तकिल तौर पे हमेशा के लिए उससे अलग हो गई है, और 6 मरतबा जो उसने कहा है वो उसका अपना फ़ैल है, उसके वो खुद गुनहगार होगा। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। कोई अगर मज़ीद कुछ बात मालूम करनी है तो आप लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।